नरेंद्र मोदी इतना तो झूठ मत बोलो, झूठ बोले काला कौवा काटे। आज रखल राफा में 45 लोग मारे गए रेफ्यूजी कैंप में, भारत क्यों नहीं कहता मोदी तुम बोलो ना, नेतन्याहू से कहो कि जंग बंदी करो। मगर भारत से स्पेन में कश्ती को रोक लिया गया जिसमें 27 टन हथियार था, असला था, एक्सप्लोजिव थे जो भारत से जा रहा था इसराइल को। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय सबा इंटरनेशनल स्कूल गुलबर्गा, स्टूडेंट्स गेटिंग बोथ इस्लामिक एंड मॉडर्न एजुकेशन फ्रॉम वेल क्वालिफाइड टीचर्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स एंड रिसीव केयर फ्रॉम डेडिकेटेड स्टाफ, एयर कंडीशनर, स्मार्ट क्लासेस, एडमिशन आर नाउ ओपन, कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स। मगर नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमान 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 करते हैं और मोदी जी झूठ कहते हैं। उन्होंने कहा कि रमजान में मैंने इसराइल से कहा कि जंग बंदी कर दो। नरेंद्र मोदी इतना तो झूठ मत बोलो, झूठ बोले काला कौवा काटे। अब बताइए कि इसराइल बमबारी अपनी जारी रख रहा है। आज रखल राफा में 45 लोग मारे गए रेफ्यूजी कैंप में, भारत क्यों नहीं कहता मोदी तुम बोलो ना, नेतन्याहू से कहो कि जंग बंदी करो। मगर भारत से आज से चंद दिन पहले स्पेन में कश्ती को रोक लिया गया जिसमें 27 टन हथियार था, असला था, एक्सप्लोजिव थे जो भारत से जा रहा था इसराइल को। और मोदी झूठ बोलते हैं कि मैंने कहा इसराइल को कि रमजान में बमबारी मत करो। नरेंद्र मोदी भारत ही पहला देश था जिसने फलस्तीनियों को माना था। गांधी ने कहा था ये मुल्क ये जमीन अरबों की है, यहां पर यहूदियों को नहीं रहना चाहिए। मगर आज आपके जबान से उन मासूम फलस्तीनियों के बारे में तो अल्फाज नहीं निकलते। देश के प्रधानमंत्री एक लंबी झूठ बोल दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखिए इस देश की फॉरेन पॉलिसी क्या है। नेपाल है, छोटा सा मुल्क है, आज नेपाल भारत को आंख दिखा रहा है। नेपाल अपने करेंसी के नोट पर उन इलाकों को भारत के इलाकों को कह रहा है कि ये नेपाल का इलाका है। बोलो नरेंद्र मोदी कुछ तो बोलो। नहीं बोलेंगे नरेंद्र मोदी, बोलेंगे मुजरा हो रहा है, मुजरा। नहीं मेरे भाई, क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है, उनकी बेइज्जती नहीं है, मुजरा हो रहा है। नरेंद्र मोदी देश की 50% आबादी महिलाओं पर है, आप उनका मजाक उड़ा रहे, मुजरा हो रहा है। जाओ मुजरा देखो, मुजरा करो। नरेंद्र मोदी ये याद रखो, अगर तुम्हारे मुंह में जबान है तो अल्लाह ने भी हमको भी बहुत अच्छी जबान दी है और हम अपनी जबान से ही बदनाम होते हैं। चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है और मोदी कुछ नहीं कहते। क्या मोदी आप चीन के साथ ब्रेक डांस कर रहे थे? गांव रक्षक मारते हैं अखलाक को, पीलू खान को धर्म संसद से गालियां दी जाती है, तो क्या आप उनसे भांगड़ा कर रहे थे? ये वजीर आजम की जबान है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय सबा इंटरनेशनल स्कूल गुलबर्गा, स्टूडेंट्स गेटिंग बोथ इस्लामिक एंड मॉडर्न एजुकेशन फ्रॉम वेल क्वालिफाइड टीचर्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स एंड रिसीव केयर फ्रॉम डेडिकेटेड स्टाफ, एयर कंडीशनर, स्मार्ट क्लासेस, एडमिशन आर नाउ ओपन, कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स।